आलीशान पार्टी में एनसीबी की बड़ी छापेमारी, इसी बीच पकड़ा गया शाहरुख खान का बेटा, पुलिस कर रही है छानबीन। मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। सोमवार 2 अक्टूबर के दिन एक क्रूज में छापेमारी के दौरान एनसीबी को एक बड़ी कार्रवाई हासिल हुई है, जिस कार्रवाई में जो है पुलिस ने भारी मात्रा में ड्रग्स को बरामद किया है और काफ़ी सारे ड्रग्स जो है इस शिप पर थे और शिप पर काफ़ी आलीशान पार्टी चल रही थी। ये पार्टी जो है 3 दिन चलने वाली थी क्रूज में और ये मुंबई से लेकर गोवा जा रही थी। इसी पार्टी में काफ़ी सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी आए हुए थे और मुख्य चेहरे जो थे इस पार्टी में वो है आर्यन खान थे। इस आर्यन खान से पूछताछ की गई तो पूछताछ में जो है आर्यन खान ने कहा कि मुझे एज अ चीफ गेस्ट इस पार्टी में बुलाया गया था, जिस पार्टी में मुझे निमंत्रण दिए देने के बाद जो है तमाम लोग जो है मेरे ज़रिए और भी लोग आए हुए थे मेरा नाम सुनकर। तो ऐसे में मुझे इसका अंदाज़ा नहीं है कि ये ड्रग्स पार्टी हो रही थी या नॉर्मल पार्टी हो रही थी। अब इस बीच मुंबई नारकोटिक्स ब्यूरो ने जो है कोकेन और MDMA और साथ में चरस को भी बरामद किया है। देखते हैं इसकी पूछताछ के बाद क्या नए खुलासे होते हैं। लेकिन आर्यन खान के साथ और 8 अभिनेत्रा और जो है सेलिब्रिटियों के नाम है इसमें सामने, जिसमें से 2 महिलाएं हैं। 8ों लोगों का जो नाम है जिनसे पूछताछ चलिए, मुनमुन धमूचा, नूपुर सिरका, स्मित सिन्हा, मेहक जायसवाल, विक्रांत छोड़कर, गोमित चोपड़ा, आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट। अब इन 8ों की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है, पुलिस इन्हें अभी पूछताछ कर रही है। देखिए किस तरीके से एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो द्वारा समीर वांखड़े की इस कार्रवाई के बाद उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी है और किस प्रकार ये पूरा मामला चला। भाऊ याला पकड़ ले, घूम नीचे लो, घूम खाने और कैमरे से लेकिन थोड़े से लाइट पर फ्लैप तो यार अभी कुछ भी कहना इट विल बी वेरी फनी। ये सब मैं नहीं बता पाऊंगा आपको, आई विल प्रॉपरली इंश्योर। सर कितने लोग ताबीज लिए गए हैं? 8 से 10 जनों को अभी भी अरेस्ट किया। अभी कोई मैं इस बारे में कमेंट नहीं करूँगा। भाग रहे वहां से आ रहे, कैश जेम, कैश जेम, कैश जेम जो कि इस पूरे दौरान यानी कई लोगों को जो हमने देखा सबसे पहले तस्वीरें जहाँ पर रिपब्लिक भवन सबको लाइव कवरेज दे रहा है एनसीबी ऑफिस के बाहर, जहाँ हमने एक तरह की गवाह देखी और तस्वीरें आपको लगातार दिखाते रहेंगे। उन लोगों की है जो ड्रग्स पार्टी में मौजूद थे, ये तहरीर उन लोगों की है जो कि इस ड्रग्स पार्टी में मौजूद थे और अब उनको किसी कार्रवाई के बाद किसी जगह पर लाया गया है और अब कई चीज़ें जो है वो चीज़ की गई है, लोगों को यहाँ पर हिरासत में लाया गया है, उनसे विचार करेंगे कि मैम आप क्रूज पर ठीक है? मैम आप क्रूज पर ठीक है? मैम आप क्रूज पर ठीक है? ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँ एक नई न्यूज के साथ।